हेलो एवरीवन, आज का हमारा लेसन प्लान का टॉपिक है प्रोनाउन। इसको हम छोटी क्लासेस में या बच्चों के लिए जब हम यूज़ करते हैं तो इसको हम वर्ड्स रिप्लेसिंग नाउन भी बोलते हैं, या जो वर्ड हम नाउन की प्लेस पर यूज़ करते हैं उनको हम बोलते हैं प्रोनाउन। तो इसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव है टू डेवलप स्टूडेंट्स इंटरेस्ट अबाउट ग्रामर। बच्चों का ग्रामर में इंटरेस्ट डेवलप होगा एंड दे गेट नॉलेज अबाउट द स्किल ऑफ ग्रामर। उन्हें ग्रामर की स्किल्स के बारे में भी नॉलेज मिलेगी एंड दे विल बी एबल टू रिकॉल एंड रिकॉग्नाइज द डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच। उनको अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पता चलेगा। अगले आते हैं हमारे लेसन ऑब्जेक्टिव्स, जिनमें कि बच्चे प्रोनाउन को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, करेक्ट प्रोनाउंस को यूज़ कर पाएंगे, प्रोनाउन की और एग्जांपल्स देने में एबल होंगे वो, एंड दे विल बी एबल टू कंस्ट्रक्ट सेंटेंस बाय यूजिंग दिस वर्ड। प्रोनाउन को यूज़ करके वो खुद नए सेंटेंसेस क्रिएट कर पाएंगे। उसके बाद टीचर बच्चों को ये पिक्चर दिखा के उनको क्लैरिफाई कर सकती है प्रोनाउन के बारे में, लाइक आई, वी, यू, दे, शी, ही, इट, दे। तो लाइक ऐसी और भी पिक्चर्स टीचर बच्चों को दिखा के उनको प्रोनाउन के बारे में सिखा सकती हैं। अगले आते हैं लाइफ स्किल्स, सोशल नॉर्म्स, मल्टीपल इंटेलिजेंस, टीचिंग एड कि टीचर क्या यूज़ करेगा इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए, उसके पास क्या क्या मटेरियल होगा, टीचिंग स्ट्रेटजीज़ जिसमें कि लर्निंग बाय डूइंग, एक्सप्लेनेशन मेथड और इलस्ट्रेशन मेथड होगा। एंड नेक्स्ट इज आर्ट इंटीग्रेशन, जिसमें कि टीचर बच्चों को कुछ ड्रॉ करने के लिए दे सकती है रिलेटेड टू प्रोनाउन। नेक्स्ट आते हैं हमारे वोकैबुलरी वर्ड्स, जो कि बच्चा इस चैप्टर में से सीखेगा। और नेक्स्ट है पीके टेस्टिंग, जो कि टीचर बच्चों की प्रीवियस नॉलेज चेक करने के लिए उनसे पहले कुछ क्वेश्चंस पुट करेगी, लाइक हाउ डू वी डिस्क्राइब अ नाउन, व्हाट इज द नाउन ऑफ रिप्लेस, गिव सम एग्जांपल ऑफ प्रोनाउन, डज प्रोनाउन यूज टू अवॉइड द रेपिटेशन ऑफ नाउन। फिर ये नॉलेज चेक करने के बाद टीचर टॉपिक की अनाउंसमेंट करेगी दैट टूडे वी विल लर्न अबाउट रिप्लेसिंग नाउन और प्रोनाउन। और फिर हमारी सेकंड एक्टिविटी है जिसमें कि टीचर विल एक्सप्लेन टू द स्टूडेंट्स दैट प्रोनाउन इज वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो हम नाउन की जगह पर यूज़ करते हैं। एंड टीचर विल राइट द फॉलोइंग प्रोनाउंस ऑन द बोर्ड, ये वाले प्रोनाउन फिर टीचर बोर्ड पर लिखेगी। नेक्स्ट आती है हमारी एक्टिविटी 3, जिसमें कि टीचर विल यूज फ्लैश कार्ड टू रिव्यू अगेन व्हाट अ प्रोनाउन इज एंड विल टीच द क्लास द डेफिनेशन, देन डायरेक्ट द स्टूडेंट्स टू यूज द प्रोनाउन इन अ न्यू सेंटेंस रिप्लेसिंग एट द फर्स्ट वन। तो फिर टीचर कुछ फ्लैश कार्ड्स यूज़ करेगी जिसमें कि टीचर प्रोनाउन की डेफिनेशन बताएगी बच्चों को, और बच्चों को इसके साथ न्यू सेंटेंसेस क्रिएट करने के लिए बोलेगी, जिसमें कि वो नाउन को रिप्लेस करके उसकी जगह पर प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट शी विल टेक टेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स वर्बली बाय गिविंग एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोनाउन, डायरेक्ट द स्टूडेंट्स टू गिव अ थम्स अप और थम्स डाउन ऑन द राइट एंड रॉन्ग यूज ऑफ प्रोनाउन दैट यू गिव। तो इसमें अगर तो प्रोनाउन राइट है तो बच्चे थम्स अप करेंगे, और अगर रॉन्ग है तो वो थम्स डाउन करेंगे। इसके बाद टीचर रिकैप्चुलेशन के लिए उनसे कुछ क्वेश्चंस पुट करेगी, लाइक व्हाट इज रिप्लेसिंग नाउन, वेयर डज वी यूज प्रोनाउन, गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोनाउन, हाउ डू यू अवॉइड द रेपिटेशन ऑफ नाउन। फिर उनके इवैल्यूएशन के लिए, असेसमेंट के लिए टीचर उनको कुछ रिटन टेस्ट देगी, जिसमें कि पहले फिलअप्स होंगे जिसमें बच्चे फिल करेंगे ही, शी, इट, वी और दे, जैसे कि शीना इज क्राइंग बिकॉज डैश हैज़ लॉस्ट हर पेन। यहाँ पर शीना गर्ल है तो यहाँ पर हम शी यूज़ करेंगे ब्लैंक में। नेक्स्ट इज द नाइफ ऑफ नो यूज, डैश इज ब्लंट। अब नाइफ जो है ये नॉन लिविंग थिंग है तो इसकी जगह हम इट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज लुक एट द पिक्चर्स, आर नॉट दे लवली।
तो यहाँ पर पिक्चर्स मोर देन वन है, प्लूरल है, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे दे, आर नॉट दे लवली। नेक्स्ट है आई मेट डेविड डैश वॉज एट द मैजिक, यहाँ पर डेविड है बॉय, तो हम यूज़ करेंगे ही वॉज एट द मैजिक शो। नेक्स्ट इज डेविड एंड मैट आर स्टैंडिंग टुगेदर डैश आर गुड फ्रेंड्स, अब यहाँ हम यूज़ करेंगे दे आर गुड फ्रेंड्स, क्योंकि दो फ्रेंड्स की बात हो रही है, मोर देन वन। नेक्स्ट आता है हमारा टिक द करेक्ट सेंटेंस इन ईच सेट वन हैज़ डन फॉर यू, यहाँ पर फर्स्ट जिसमें करेक्ट प्रोनाउन यूज हुआ है उसको हमने टिक करना है। फर्स्ट है वी सा लीजा शी वॉज विथ हर मदर, और बी है वी सा लीजा इट वॉज विथ हर मदर, तो कौन सा वाला राइट है, ए वाला, क्योंकि जो लीजा है वो गर्ल है तो उसकी प्लेस पे हम शी का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है पुअर मैरी दे हैव हाई फीवर, अगला पुअर मैरी शी हैज़ हाई फीवर। अब यहाँ पर मैरी सिंगुलर है और गर्ल है तो इसकी जगह पर हम शी का यूज़ करेंगे, तो बी वाला राइट है। नेक्स्ट इज टेड इज अ काइंड बॉय शी हेल्प्स एवरीवन, एंड बी वाला है टेड इज अ काइंड बॉय ही हेल्प्स एवरीवन, तो यहाँ पर टेड एक बॉय है तो यहाँ पर सेकंड बी वाला राइट होगा ही। फोर्थ है वेयर आर जीबा एंड हीना आर दे कमिंग, बी पार्ट देखो वेयर आर जीबा एंड हीना इज शी कमिंग, तो यहाँ पर कौन सा वाला राइट है, ए वाला, क्योंकि वो हम दो प्लूरल की बात कर रहे हैं, टू पर्सन्स की बात कर रहे हैं तो दे यूज होगा। नेक्स्ट है फिफ्थ मदर इज थर्स्टी इट वॉन्ट्स अ ग्लास ऑफ वाटर, नेक्स्ट है मदर इज थर्स्टी शी वॉन्ट्स अ ग्लास ऑफ वाटर, तो यहाँ पर बी वाला राइट है क्योंकि मदर हम फीमेल के लिए यूज़ करते हैं तो ये फीमेल वर्ड है तो यहाँ शी का यूज़ होगा। फिर टीचर उनको कुछ सेपरेट वर्कशीट भी दे सकती हैं बच्चों को। और लास्ट में आते हैं हमारे लर्निंग आउटकम्स।